बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट फिजिक्स के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे लेक्चर का कंटेंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर है। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर मैं आपको बेसिकली पहले FSC लेवल पर भी समझा चुका हूँ, लेकिन आज के लेक्चर का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो एंटी टेस्ट में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब से रिलेटेड या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्या थ्योरी फॉलो करनी। तो उसमें जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहले हम एक दफा फिर रिकॉल करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। फिर हम इलेक्ट्रिक पावर में पावर रेटिंग वर्सेस पावर कंजम्पशन को डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे पावर कॉम्बिनेशंस पर। फिर हम ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और फिर हम इस टॉपिक को करेंगे समराइज। तो हम अपने पॉइंट नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है इलेक्ट्रिक पावर। पावर को मैकेनिकली जब हम सिंपल जानते हैं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो नंबर वन, थिंक ऑफ अ सर्किट हैविंग अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी एंड कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ वैल्यू आर। अब फर्ज करेंगे एक अमाउंट ऑफ चार्ज डेल क्यू बैटरी के पॉजिटिव यानी हाई टर्मिनल से अपना स्टार्ट लेती है और ये चार्ज सर्किट में फ्लो करना शुरू करता है। द चार्ज विल हैव टू मूव थ्रू द रेजिस्टर। अब इसको रेजिस्टर से मूव करवाना किसका काम है? बैटरी का। इट मींस द बैटरी इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन द चार्ज। तो इस चार्ज का रेजिस्टर से गुजरने के बाद ये वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल Q कैन बी फर्दर रिटन एज V डेल Q। यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्क किया है बैटरी ने वो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज के इक्वल है। नाउ कम टुवर्ड्स द फॉर्मूला, इसको आप इक्वेशन वन कह लें। कम टुवर्ड्स द फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर होता है जी रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऊपर इक्वेशन लिखी है, वी डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट कर लें, वी डेल क्यू बाय डेल टी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होता है? करंट के। तो पावर जो इलेक्ट्रिक पावर है इट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई। डेल क्यू बाय डेल टी किसके इक्वल आ जाएगा? आई के। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं फॉर अ सीरीज सर्किट एंड फॉर अ पैरेलल सर्किट। ये दो फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको आगे कॉम्बिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंटली काम आएंगे। अब देखिए, सीरीज सर्किट वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें तमाम कंपोनेंट्स में करंट कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल वो होता है जिसमें तमाम कंपोनेंट्स में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो हम P इज इक्वल टू वी आई इक्वेशन में P इज इक्वल टू आई एज इट इज रहने देंगे और ओम्स लॉ यूज करके लिखेंगे P इज इक्वल टू आई आर। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर्ड आर। इट मींस के अगर करंट सीरीज में कांस्टेंट रहता है तो जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेजिस्टर की वैल्यू सीरीज सर्किट में सबसे ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा होगी। अब आ जाए पैरेलल पर। तो P इज इक्वल टू वी आई इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं कि V एज इट इज, और ओम्स लॉ यूज करते हुए हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो पावर कंजम्पशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। तो पैरेलल में लगी हुई बहुत सारी रेजिस्टेंस में से जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगी। सिमिलरली यहां पे इक्वेशन फिर कंप्लीट होती है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, फिर आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट का। हीटिंग इफेक्ट के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे एच इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यू कैन यूज टू फॉर्मूलाज, पावर कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक आइडिया या बेसिक फॉर्मुलेशन जब हम सिंपली डिस्कस करते हैं पावर
इलेक्ट्रिक पावर को। अब सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे पावर रेटिंग वर्सेस पावर कंज्यूम्ड। तो स्टूडेंट्स सेकंड नंबर पे अब हम डिस्कस करते हैं पावर रेटिंग वर्सेस पावर कंज्यूम्ड। नाउ सपोज के आप मार्केट से एक बल्ब परचेज करके लाते हैं। स्टूडेंट्स इस बल्ब का जो बॉक्स होगा उस बॉक्स के ऊपर दो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन लिखी होंगी। एक लिखा होगा इसकी पावर रेटिंग, जहां भी मैं R लिखूं इसका मतलब होगा रेटिंग, और अगर कहीं पर मैं C यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा कंज्यूम्ड। लिखा होगा कि पावर रेटिंग इज 100 वॉट, कि ये बल्ब आप लेके जा रहे हैं जिसकी पावर रेटिंग है 100 वॉट। बट ये पावर रेटिंग तब होगी जब आप इसको रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट्स पर यूज करेंगे। अब इस जगह पर सारी कहानी का खुलासा है। आप जो बल्ब मार्केट से परचेज करके लेकर जा रहे हैं ये 100 वॉट पावर तभी शो करेगा, तभी कंज्यूम करेगा, तभी डिलीवर करेगा, तभी ट्रांसफर करेगा अगर आप इसको इतने वोल्टेज पर यूज करेंगे। यानी अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन 220 हो जाए, यानी ग्रेटर देन रेटेड हो जाए 220 जो कि हमारा रेटेड वोल्टेज है, या फिर हमारा अप्लाइड वोल्टेज लेस देन 220 हो जाए जो कि रेटेड वोल्टेज है, तो इट मींस जो हमारे पास रेटेड पावर है वो कंप्लीटली शो नहीं होगी। तो पहली तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको जहन में रखनी कि जो बल्ब आप मार्केट से परचेज करके ला रहे हैं उस बल्ब की जो पावर रेटिंग है वो कंसर्न्ड है वोल्टेज रेटिंग के साथ। ये बात आपको पावर कम्बिनेशंस में इंतहाई अहम जो है वो किरदार प्ले करेगी। अब देखें पावर रेटिंग्स आर इक्वल टू वोल्टेज रेटिंग्स डिवाइडेड बाय आर। अब ये जो बल्ब आप लेके जा रहे हैं दिस बल्ब कंटेन्स अ फिलामेंट। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट, डिफरेंट डायमेंशंस को कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी द रेजिस्टेंस वैल्यू शुड रिमेन कांस्टेंट, और यहां से आर की वैल्यू होगी वी रेटेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी रेटेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट है इट शुड रिमेन कांस्टेंट। अब यहां से तो आप फाइंड कर सकते हैं रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इस फिलामेंट के अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, वी रेटेड है 220 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी रेटेड, अब पी रेटेड है 100। आप कैलकुलेटर पे 220 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स वो आएगा 484 ओम, 484 00 डिवाइडेड बाय 100। तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिलामेंट आ रही है स्टूडेंट्स 484 ओम्स। अब याद रहे कि ये वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या रहनी चाहिए है कांस्टेंट, चाहे आप इसको जिस मर्जी वोल्टेज पे ऑपरेट करें। जिस मर्जी वोल्टेज पे ऑपरेट करें तो पावर सेम नहीं रहेगी बट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विल रिमेन सेम। नाउ सपोज कि ये बल्ब जिसे हम पहले 220 वोल्ट्स पर यूज कर रहे थे तो ये हमें पावर डिलीवर कर रहा था 100 वॉट। लेट्स से अगर हम इसको 220 की बजाय 110 वोल्ट्स पर ऑपरेट करें तो नाउ व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन। अगेन अब मैं लिखूंगा यहां पर पी सी द कंज्यूम्ड पावर, यानी अभी कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, वी अप्लाइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। अभी मैंने कहा कि अप्लाइड वोल्टेज कुछ भी हो, कुछ भी हो, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विल रिमेन सेम। तो पावर कंज्यूम्ड विल बी 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 484। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 वॉट्स। नाउ व्हाट इज द पॉइंट टू पॉन्डर, गौर करने वाली बात क्या है, पावर रेटिंग है 100 वॉट। 100 वॉट स्टूडेंट्स उसी सूरत में डिलीवर होगी या ट्रांसमिट होगी पावर अगर आप उसे रेटेड वोल्टेज यानी जो बल्ब के साथ गिवन वोल्टेज उसने लिखा हुआ उस पे यूज करेंगे। अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज अदर देन रेटेड वोल्टेज है तो फिर आप ये तवक्को ना करें उस बल्ब से
कि वो आपको एक्चुअल रेटेड पावर डिलीवर करेगा। तो रेटेड पावर क्या होती है, वो जो कंपोनेंट के ऊपर लिखी होती है और उस वोल्टेज पर जो कंपोनेंट पे साथ प्लेस्ड होती है। अब आपने क्या करना है, अपने घर में मौजूद जितने भी आपके पास अप्लायंसेज हैं उन सब के ऊपर पावर रेटिंग्स देखें। आपको सबकी सबकी पावर रेटिंग मिलेगी कि फ्रिज है तो इतने वॉट है 220 वोल्ट के साथ, बल्ब है, एनर्जी सेवर्स हैं तो इतने वॉट्स हैं 220 वोल्ट पर। 220 जो है वो सबके लिए कॉन्स्टेंट होगा, जो अप्लायंसेज है उनकी पावर रेटिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। सो यहां पर आपने एक डिफरेंस देखा, पावर रेटिंग वो होती है जो अप्लायंसेज के साथ रिटर्न आती है विद द रेटेड वोल्टेज। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आते हैं तो 220 वोल्ट पर ये डिलीवर करेगा 100 वोल्ट। पावर कंज्यूम क्या होती, कि आप उसको कितने वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं। नाउ सी, अगर हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर है तो हमारे पास कंज्यूम पावर भी रेटेड पावर के बराबर होगी। अगर हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज लेस देन था, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी रेटेड थे, तो पावर कंज्यूम्ड विल बी लेस देन द रेटेड पावर। और इन द इनवर्स केस, अगर अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड कर जाएगी रेटेड वोल्टेज से, यानी अप्लाइड हो जाए 400 वोल्ट जबकि रेटेड है 220 वोल्ट, तो पावर कंजम्पशन या पावर कंज्यूम्ड विल बिकम ग्रेटर देन द रेटेड पावर। और इस केस में जो बल्ब है वो क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है या उसका जो फिलामेंट है वो बर्न हो सकता है। तो यहां तक होगी एक सिचुएशन कि इट्स द पावर रेटेड एंड इट्स द पावर कंजम्पशन, के जब आप उसको अदर देन किसी वोल्टेज पे यूज करते हैं। अब यहां से स्टूडेंट्स ये बात एक जहन में रखनी है कि अप्लाइड वोल्टेज जितना ज्यादा करीब होता जाएगा रेटेड वोल्टेज के, पावर कंजम्पशन भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये बड़ा काम का नुक्ता मैंने आपको बताया, अभी मैं इसका आपको एक और भी शॉर्टकट बना के देता हूं। शॉर्टकट हम यूं बनाते हैं कि देखें, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी हमने देखी पी रेटेड डिवाइडेड बाय वी रेटेड, आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर पी रेटेड। नंबर टू, इन केस ऑफ कंज्यूम पावर PC, we have the formula V applied divided by resistance. अब resistance तो constant है, तो resistance की जगह पर ये वाला formula लिखें, P consumed is equal to VA square divided by resistance, V rated square divided by P rated. इसको थोड़ा सा simplify कर ले, PC is equal to VA by V rated होल स्केयर इंटू पी रेटेड। अब ये इक्वेशन भी स्टूडेंट्स आपको वही पिछला आंसर देगी, आप चाहे तो इसको रेशो बना के लिख लें, पी कंज्यूम्ड ओवर पी रेटेड इज इक्वल टू वी ए बाय वी रेटेड स्क्वेयर। बट यहां से आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखें 220 वोल्ट वी रेटेड था, 110 वी अप्लाइड था, तो कितनी पावर कंज्यूम हुई, फॉर्मूला इज ईजी टू यूज, पी सी इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज था 110, रेटेड था 220 और रेटेड पावर थी 100। तो स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे, देखें ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 100, तो द आंसर इज द सेम। स्टूडेंट्स ये वो पावर है, ये वो इक्वेशन है जो बल्ब्स की ब्राइटनेस भी डिटरमिन करती है। वो कैसे करती है उस पर आगे चलकर हम देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर फर्क याद रखना था बिटवीन द पावर रेटिंग एंड पावर कंज्यूम्ड। हमें ज़्यादा कंसर्न होता है पावर कंज्यूम से क्योंकि वोल्टेजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो आइडियल केस में तो पावर रेटिंग ही आती है, लेकिन नॉन आइडियल केस जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएट करती रहेगी वहाँ पर पावर कंज्यूम्ड कंसिडर होगी। तो आई एम होपफुल कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब एक बात जहन में रखते हुए कि कोई भी पावर रेटिंग होगी वो किसके साथ कंसिडरेबल है, रेटेड वोल्टेज के साथ। तो इसके बाद जब हम कम्बिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं, उस कम्बिनेशन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किस तरह रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज कंसर्न होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं पावर कम्बिनेशंस को। पावर कम्बिनेशंस उसी तरह जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के मैंने कम्बिनेशंस पर एक लेक्चर बनाया था,
सेम इसी तरह पावर कम्बिनेशन में भी सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन कंसिडर होते हैं। फर्ज करें आपके पास दो बल्ब हैं, बल्ब बी वन और बल्ब बी टू। अब इन दोनों की पावर गिवन है, पावर पी वन है विद अ रेटेड वोल्टेज, पावर पी टू है विद अ रेटेड वोल्टेज। अगेन लिसन, रेटेड ये पावर कांस्टेंट उसी केस में होगी अगर रेटेड वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे। दोनों की रेजिस्टेंस है आर वन और आर टू। अब आपने स्टार्ट कैसे लेना है, एक बात के फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, टी इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर एंड आर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर पी। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स इसमें यूज करनी है आपने। तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। अब आर ई जो है, अब आप यहां पर इस इक्वेशन को देखें, वी रेटेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टोटल पावर इज इक्वल टू, यहां पे आप टोटल लिख लें या इक्विवेलेंट लिख लें एक ही बात है, ठीक है। आर वन को लिखेंगे वी रेटेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी वन, आर टू की जगह लिखेंगे वी रेटेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी टू। अब इसमें से देखें, वी रेटेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी ई इज इक्वल टू वी रेटेड स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा 1 ओवर पी वन प्लस 1 ओवर पी टू। ऑल राइट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सीरीज सर्किट में पावर्स को ऐड करने का फॉर्मूला आएगा 1 ओवर पी ई इज इक्वल टू 1 ओवर पी वन प्लस 1 ओवर पी टू। ये जैसे रेजिस्टर्स पैरेलल में ऐड होते हैं, पावर्स सीरीज में ऐड होती हैं। यहाँ से एक सिंपल शॉर्टकट बनाते हैं फॉर टू बल्ब्स के लिए, कि अगर आपके पास दो बल्ब्स हों तो आप यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पी वन पी टू ओवर पी वन प्लस पी टू। सिंपल इसका एलसीएम लेके आगे चलना है। और अगर टू आइडेंटिकल बल्ब्स हों, आइडेंटिकल मीन्स कि दोनों की पावर्स एक जैसी हों, यानी पी वन इक्वल्स टू पी टू हो इक्वल्स टू पी आ जाए, तो फिर क्या करना है, पी ई इज इक्वल टू पी इंटू पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी स्क्वेयर, पी प्लस पी क्या हो जाएगा टू पी, कितना आंसर आएगा पी बाय टू। यानी अगर दो आइडेंटिकल बल्ब सीरीज में लगे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट पावर पी बाय टू हो जाएगी। अच्छा तीन हो जाए तो पी बाय थ्री हो जाएगी, चार हो जाए तो पी बाय फोर हो जाएगी। तो अगर हमारे पास एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हों स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्विवेलेंट पावर कितनी आएगी, पी बाय एन। ये तो हो गया हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन। यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट पावर है वो एक्चुअल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पैरेलल पे आ जाए, पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 ओवर आर ई 1 ओवर आर वन प्लस 1 ओवर आर टू होता है, यू मे एग्री। अब 1 ओवर आर ई है तो इसको हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं पी ई ओवर वी आर स्क्वेयर, यानी इनवर्स करके लिख देंगे इस इक्वेशन को। इसको लिखेंगे पी वन ओवर वी रेटेड स्क्वेयर, इसको लिखेंगे पी टू ओवर वी रेटेड स्क्वेयर। तो वी रेटेड ने तो कैंसिल हो जाना, तो हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बची, पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। तो ये तो बिल्कुल वैसी एडिशन हो रही है जैसे रेजिस्टेंस की सीरीज में एडिशन होती। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, दो बल्ब्स हैं फॉर लेट्स से आइडेंटिकल ही हैं, तो पी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टू हो जाएगा। तो हमारे पास पी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ पी। और अगर एन आइडेंटिकल्स हैं तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, एन टाइम्स पी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूलेशन जहन में रखनी है कि डेरिवेशन कैसे है, एक ही सूरत में है कि अगर आप उसको रेटेड पावर पर यूज़ करेंगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट पावर डिक्रीज करती है और पैरेलल में इक्विवेलेंट पावर इंक्रीज कर जाती है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूलाज देखे सीरीज और पैरेलल के, तो फॉर्मूलाज रिकॉल करने आपने, मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स जो है उनकी सॉल्व कर देता हूँ। दोनों है सीरीज में, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट पावर की इक्वेशन क्या थी, प्रोडक्ट ओवर सम। तो प्रोडक्ट 60 मल्टीप्लाई बाय 30 और सम आ जाएगा 60 प्लस 30। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 20 वॉट। तीन बल्ब्स हैं, तीनों की पावर्स और आइडेंटिकल गिवन है, तो मुझे यहाँ पर लेंथी फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यूज़ करूँगा पी बाय थ्री। तो गिवन पावर रेटिंग कितनी है, 30 वॉट, और नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, थ्री। तो इनकी इक्विवेलेंट पावर स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 10 वॉट। ये दो सिंपल सीरीज एग्जांपल्स। पैरेलल पे आ जाएं तो पैरेलल में ऐड नंबर्स की तरह ऐड होते हैं, दो बल्ब हैं 60 30 के, तो इनकी इक्विवेलेंट पावर स्टूडेंट कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 30 90 वॉट। तीन बल्ब हैं तो पैरेलल में नंबर्स की तरह ऐड कर दें, 30 प्लस 20 50 50 प्लस 60 110 वॉट इसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी।
ये सर्किट क्या है, दो पैरेलल और एक सीरीज। तो अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें इक्विवेलेंट पावर बतानी है तो पहले इनको पैरेलल को सॉल्व करें, नंबर्स की तरह ऐड कर दें, 15 + 15 = 30। अब 30 और 60 सीरीज में आ रहे हैं, तो जैसे ये 30 और 60 सीरीज में आ रहे हैं तो अब यहाँ पर वही प्रोडक्ट ओवर सम आप अप्लाई कर देंगे, तो प्रोडक्ट 60 × 30 सम 60 + 30, आपके पास जो इक्विवेलेंट पावर कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 20 वॉट। अगेन दो सीरीज और उसके साथ एक पैरेलल। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, ये दोनों सीरीज में है और आइडेंटिकल में है, तो मुझे लेंथी फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, पी डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो 100 / 2 आंसर इज 50। यानी इन दोनों की जगह पर अगर एक बल्ब लग सकता है तो कितने वॉट का, 50 वॉट का। अब ये 50 और ये 50 पैरेलल में, तो नंबर्स की तरह ऐड कर दें, 50 + 50 तो आंसर विड बी 100 वॉट। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट पावर कॉम्बिनेशंस। अब हम आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पर जो है ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब या हीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टर्स पर। वही बेसिक आइडियाज यूज करते हुए मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी समझाऊंगा कि किस रेजिस्टर का हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, या किस फिलामेंट की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, या किस बल्ब की पावर रेटिंग की वजह से उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स दो तरह से पहले तो कैटेगराइज कर लें, इस चार्ट को समझ लें। नंबर वन, जो कुलिया आपने याद रखना है, भूलना नहीं है किसी सूरत के, हीटिंग इफेक्ट या फिर ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर कंज्यूम्ड, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर कंज्यूम्ड। अच्छा, कुलिया ही रहेगा लेकिन दो अलग अलग तरीकों से। अगर आपको फिलामेंट की रेजिस्टेंस वैल्यूज गिवन है तो किस फिलामेंट की ब्राइटनेस ज्यादा होगी या किसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर आपको पावर रेटिंग्स गिवन है तो फिर किस फिलामेंट की ब्राइटनेस या हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। सबसे पहले आते हैं रेजिस्टेंस वैल्यूज पर। अब कॉम्बिनेशन सीरीज भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन पैरेलल भी हो सकते हैं। फर्ज करें आपके पास दो अदद फिलामेंट्स हैं या रेजिस्टर्स हैं, आपसे पूछा है कि दोनों में से ग्रेटर हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, दोनों की वैल्यूज 10 और 10 ओम्स दी हुई हैं। अब सीरीज के लिए हम पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P = I²R। वाई? बिकॉज इन सीरीज करंट रिमेन्स द सेम। तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। अब दोनों की वैल्यूज एक जैसी हैं तो दोनों की पावर कंजम्पशन भी सेम होगी, दोनों की ब्राइटनेस भी सेम होगी, द रूल ऑब्वियस। अब आते हैं ऐसे सीरीज सर्किट पर जिसमें एक रेजिस्टर की वैल्यू ज्यादा और एक की कम है, तो द रिलेशन इज द सेम। सीरीज सर्किट में स्टूडेंट्स जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, तो 20 ओम वाला फिलामेंट या हीटर, ब्राइटनेस पूछी जाए तो ब्राइटर ज़्यादा होगा, और हीटिंग इफेक्ट पूछा जाए तो इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। पैरेलल पे आ जाए, पैरेलल में चूंकि तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है तो पावर हैज़ एन इनवर्स रिलेशन विद द रेजिस्टेंस, यानी कंज्यूम पावर इज इनवर्स रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस। अब देखें अगर दोनों की रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं तो दोनों की पावर कंजम्पशन भी इक्वल हैं, लिहाजा दोनों की ब्राइटनेस या दोनों का हीटिंग इफेक्ट भी सेम होगा। बट अगर हम इस रूल को फॉलो करें 10 और 20 पर, तो जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स कम है वहां पर पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट में जो 10 ओम का रेजिस्टर है, अगर इसकी ब्राइटनेस पूछी जाए तो इस फिलामेंट की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और हीटिंग इफेक्ट पूछा जाए तो इसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। सो समराइज कर लेंगे यहीं पर, अगर आपको रेजिस्टेंस वैल्यूज गिवन है और रेजिस्टेंस वैल्यूज में अगर दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। अगर वही दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो फिर पावर कंजम्पशन का रिलेशन इनवर्स है रेजिस्टेंस वैल्यू के साथ, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 10 ओम वाला फिलामेंट ज़्यादा ब्राइटर या ज़्यादा हॉट फिलामेंट होगा। तो रिमेंबर सीरीज में ग्रेटर रेजिस्टेंस ग्रेटर ब्राइटनेस, पैरेलल में स्मॉलर रेजिस्टेंस ग्रेटर ब्राइटनेस। ऑलराइट, अब आते हैं हम पावर रेटिंग्स पर। अब अगर आपको दो बल्ब्स गिवन है
यहाँ पे देखें, यहाँ पे यूनिट मैंने ओहम यूज किया हुआ और यहाँ पे वॉट यूज किया हुआ, यानी अगर आपको पावर रेटिंग्स गिवन है तो स्टूडेंट्स हम यही फॉर्मूलाज यूज करके, बस थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हर बल्ब आता है अपनी गिवन पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग के साथ, जिसकी वजह से आप डिटरमिन कर सकते हैं उसके रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय पावर। अब देखें, मैंने यहाँ पर दो 10 वॉट के बल्ब और फिर 10 और 20 वॉट के बल्ब यूज किए। आप बजाय इनकी पावर्स देखने के, आप इनकी रेजिस्टेंस को ही पहले देखें। देखें, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज की बिना पर आप उस बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, R इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी। अब दोनों बल्ब की रेटिंग पावर वोल्टेज तो सेम होगी, लेट्स से 220, लेकिन दोनों की पावर वैल्यू चेंज है, तो वी स्क्वायर ओवर 10, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वी स्क्वायर ओवर 20, यानी देखें यहाँ पर वोल्टेज 10 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर 20 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वैल्यू थोड़ी स्मॉल आएगी और ये वैल्यू उसके मुकाबले में लार्ज आएगी। तो हम कह सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस वुड हैव अ लार्जर वैल्यू देन दिस रेजिस्टेंस। सो अब आपने जहां पर ग्रेटर पावर देखें समझ जाए वहां पर रेजिस्टेंस स्मॉलर है, और जहां पर स्मॉलर पावर देखें समझ जाए वहां पर रेजिस्टेंस ग्रेटर है। तो नाउ सी, पावर रेटिंग्स गिवन है, लेकिन आपके पास जो बल्ब्स हैं वो दोनों किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। नाउ सी, करंट तो इनमें सेम रहेगा। अब चूंकि दोनों की पावर्स एक जैसी हैं तो दोनों की रेजिस्टेंसेस भी एक जैसी होंगी, लिहाजा दोनों की पावर कंजम्पशंस भी एक जैसी होंगी, तो दोनों बल्ब इक्वली ब्राइट होंगे। ऑलराइट, बट नाउ 10 और 20 इनके वॉट्स देखें तो स्टूडेंट्स फिर इसी बात को अपने रिकॉल करना। इसके बाद में बहुत इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए समझाना ताकि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ा जाए कि आप कॉन्सेप्ट इसको कहां से लेकर चल रहे हैं। तो देखें, 20 वॉट वाला बल्ब पावर रेटिंग ज्यादा रखता है मगर रेजिस्टेंस स्मॉल रखता है, यहां मैंने प्रूव किया। 10 वॉट वाला बल्ब वॉटेज कम रखता है बट रेजिस्टेंस ज्यादा रखता है। बाय यूजिंग द सीरीज प्रिंसिपल, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसी की पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी और ब्राइटनेस भी उसी की ज्यादा होगी। तो जो बल्ब वॉट्स में कम है सीरीज में उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो मैं इस बल्ब को हाईलाइट कर रहा हूं कि इस बल्ब की जो ब्राइटनेस है स्टूडेंट्स वो ज्यादा होगी। और आसान कर ले, मतलब ना इतनी डेरिवेशन पे जाए, अगर आपको पावर रेटिंग्स गिवन है और वो पावर रेटिंग्स आपको सीरीज में गिवन है, तो याद रखें जिसकी पावर रेटिंग कम होगी स्टूडेंट्स उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। पैरेलल पे आ जाए, पैरेलल की इक्वेशन होती है वी स्क्वायर ओवर आर, सेम वही इक्वेशन मैं दोबारा यूज कर रहा हूं। दोनों की पावर एक जैसी है तो दोनों की रेजिस्टेंस भी एक जैसी होगी, दोनों इक्वली ब्राइट होंगे, यानी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 वुड बी इक्वल टू ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स एनटी टेस्ट में कि एक सर्किट कॉम्प्लेक्स बना होगा, पूछा जाएगा उसमें से किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। तो हम करंट और वोल्टेज, इन शॉर्ट याद रखें जो बल्ब सबसे ज्यादा करंट ले रहा होगा या जिस बल्ब के अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा उसकी जो आपके पास ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा होगी। यहां तक तो होगी इक्वल ब्राइटनेस। अब आगे आ जाए 10 और 20, पावर कंजम्पशन का पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्स। इसकी पावर रेटिंग ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, इसकी पावर रेटिंग कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रिमेंबर यहां पर हमने क्या रिलेशन यूज करना, पी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी स्टूडेंट्स उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, और जिसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखें 20 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा बनिस्बत 10 वॉट के, ऑपोजिट इफेक्ट्स आ रहे, यहां पर 10 वॉट ब्राइटर था, यहां पर 20 वॉट ब्राइटर है। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स की बजाय सिंपल कर लेते हैं। याद रखें अगर पावर रेटिंग सीरीज में गिवन हो तो जिसकी पावर रेटिंग कम होगी वो ज्यादा ब्राइट होगा, पैरेलल गिवन हो तो जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी वो ज्यादा ब्राइट होगा। यहां से आपने इसको अपनी मेमोरी में पेस्ट करना है, उसका मैं आसान तरीका बताता हूं। घर में आपको किसी कमरे में ज्यादा रोशनी चाहिए तो आप कौन सी रेटिंग का बल्ब लाएंगे, स्मॉल रेटिंग या लार्ज रेटिंग? ऑब्वियसली आप एक लार्ज रेटिंग का बल्ब लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि आपके घर में वायरिंग कौन सी है? पैरेलल। तो पैरेलल में ग्रेटर ब्राइटनेस के लिए ग्रेटर पावर रेटिंग लाएं, सीरीज में अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए
तो स्मॉलर पावर रेटिंग का जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर साबित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्राइटनेस के प्रॉब्लम्स ये तो कुछ सिंपल हो गए, इसके बाद मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो हैं उनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। तो अब यहाँ पर कुछ और डिफरेंट सर्किट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स के उसमें किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। इस पूरे चार्ट में मैंने तमाम आइडेंटिकल बल्ब यूज़ किए हैं और उन आइडेंटिकल बल्ब में हमें आंसर देना है कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। यहाँ पर दो आइडेंटिकल बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखें दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों में से करंट सेम गुजर रहा है या दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम अपीयर होगा, तो हम सिंपली आंसर करेंगे कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब वन इज इक्वल टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब टू। दोनों पैरेलल में हैं, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम है या दोनों के अक्रॉस करंट भी सेम गुजर रहा है, क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब हैं, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब वन होगी वो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब टू के इक्वल होगी। अब यहाँ पर एक केस है कि आपके पास बल्ब बी वन बी टू और बी थ्री दो पैरेलल में और एक सीरीज में कनेक्टेड है। पूछा गया कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसका कॉन्सेप्ट रिलेट कर लें करंट के साथ कि जिस बल्ब में से सबसे ज़्यादा करंट पास करेगा उसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी। सो देखें हम यहाँ से एंटर करते हैं, लेट से आई वन करंट यहाँ से शुरू हुआ है, तो आई वन यहाँ पर कौन सा करंट है, मैक्सिमम करंट है। अब ये करंट पूरे का पूरा बी वन में से गुजर रहा है, तो बी वन में से गुजरने वाला करंट आई वन है। अब ये करंट आगे चूंकि पैरेलल सर्किट है तो ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। चूंकि दोनों करंट दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो आई टू और आई थ्री एक जितने करंट्स होंगे। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आई टू और आई वन चूंकि एक जितने करंट्स हैं लिहाजा बल्ब टू और बल्ब थ्री दोनों की ब्राइटनेस भी एक जैसी होगी। बट देर इज अ सिंपल इफेक्ट, आई टू और आई थ्री इंडिविजुअली आई वन से कम है, यानी आई वन जो है ये सिंगल हैंडेडली आई टू से भी ग्रेटर है और आई थ्री से भी ग्रेटर है। तो आई वन चूंकि सबसे ग्रेटर है तो बल्ब वन की ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा होगी, यानी ये ब्राइटनेस ग्रेटर होगी बी टू से और बी थ्री से। तो हम फाइनल रिजल्ट को यूं लिख सकते हैं कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब वन इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब टू, वेयर एज द बल्ब टू ब्राइटनेस इज इक्वल टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब थ्री। तो ये स्टूडेंट्स इसका रिलेशन होगा, हम इसको इस तरीके से फाइनलाइज लिखेंगे। सिमिलरली दो सीरीज में और एक पैरेलल में। अब अगर आपको इसको ब्राइटनेस के साथ सॉल्व करना मुश्किल लगे तो पहले आप इसको रेजिस्टेंस में चेंज कर लें। देखें इसकी रेजिस्टेंस आर, इसकी भी रेजिस्टेंस आर, तो इसको रेजिस्टेंस सर्किट में चेंज कर लें। आर प्लस आर सीरीज में है, टू आर हो जाएगा और ये फिलामेंट रेजिस्टेंस आर हो जाएगी। तो नाउ सी स्टूडेंट्स, जब हम यहां से करंट एंटर करेंगे तो करंट की ज्यादा मिकदार जाएगी आई वन स्मॉलर रेजिस्टेंस में और कम मिकदार जाएगी 2R जहां पे दो बल्ब लगे हुए हैं। तो इससे एक बात तय हुई कि चूंकि I1 करंट ग्रेटर है I2 से, तो बल्ब 1 की ब्राइटनेस ग्रेटर होगी बल्ब 2 और बल्ब 3 से, क्योंकि ओवरऑल बल्ब 1 में से ज्यादा करंट पास कर रहा है और बल्ब 2 और 3 में से कम करंट पास कर रहा है। तो जिसमें से करंट ज्यादा पास करेगा स्टूडेंट्स उसकी ब्राइटनेस ज्यादा और बाकियों की ब्राइटनेस कम होगी। यानी आप कंप्लीट इफेक्ट यूं बताएंगे कि बल्ब वन की ब्राइटनेस सबसे ग्रेटर है, वेयर एज द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब टू एंड थ्री आर इक्वल, क्योंकि इनमें से एक जैसा करंट पास कर रहा है। स्टूडेंट्स इसी तरह एक प्रॉब्लम है पावर से ही रिलेटेड कि हमारे पास तीन आइडेंटिकल बल्ब्स हैं एक्स वाई एंड जी। हमसे पूछा ये गया है कि अगर हम इस स्विच एस को क्लोज कर दें तो व्हाट विल बी द न्यू पावर एंड व्हाट विल बी द न्यू करंट इन द सर्किट। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले ये देखते हैं कि जब ये स्विच ओपन है, मतलब व्हेन एस इज ओपन, तब क्या कंडीशंस हैं। तब कंडीशंस ये हैं स्टूडेंट्स के तीनों चूंकि सीरीज में हैं और वोल्टेज वी है, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी वाई इक्वल्स टू वी जी विल बी इक्वल टू वी बाय थ्री। सो हर इंडिविजुअल बल्ब जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो इक्वल होगी, पी एक्स इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जी इक्वल्स टू अब वी स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है। तो दैट विल बी द पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब। अच्छा अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर दें हम, तो पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब इज वी स्क्वेयर बाय नाइन आर, एक ही हो गया।
सेकेंडली इस पूरे सर्किट में जो करंट है स्टूडेंट्स, वो करंट होगा I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस. सो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V है, यहाँ हम डिवाइडेड नहीं लेंगे, हम टोटल वोल्टेज लेंगे, और जो टोटल रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो है 3R. ठीक है, तो ईच इंडिविजुअल बल्ब इज कंज्यूमिंग दिस पावर एंड द टोटल करंट इन द सर्किट इज V ओवर 3R. अब हम जो टोटल सर्किट की पावर कंजम्पशन है वो देखते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वेयर इंटू टोटल रेजिस्टेंस. नाउ P इज इक्वल टू I स्क्वेयर. I स्क्वेयर मीन्स V ओवर 3R स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है 3R. तो करंटली जो सर्किट पावर डिसिपेट कर रहा है स्टूडेंट्स वो है V स्क्वेयर ओवर 9R स्क्वेयर इंटू 3R. अब 3R इसको कैंसिल करेंगे तो करंटली जो पावर कंज्यूम हो रही है पूरे सर्किट में वो हो रही है V स्क्वेयर ओवर 3R. ऑलराइट, ये हो गया करंट सिनेरियो. इसके बाद अगर हम स्टूडेंट्स इस स्विच को कर देते हैं क्लोज, तो क्या होगा कि करंट को एक कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिलेगा और करंट इस Z बल्ब को नहीं मिलेगा. यानी आफ्टर स्विचिंग या आफ्टर क्लोजिंग द स्विच देयर विल बी नो पावर कंज्यूम बाय द Z बल्ब. अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब रह गए हैं वो दो रह गए. अब ये वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा, पहले तो ये V बाय 3 के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ था, अब ये V बाय 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा. सो नाउ सी P इज इक्वल टू V स्क्वेयर, अब इसको P डैश कह लेते हैं, P डैश यानी व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, यहां पर लिख देते हैं S इज क्लोज्ड, V बाय 2 स्क्वेयर ओवर R. ये है ईच इंडिविजुअल बल्ब, दो बल्ब हैं तो दोनों बल्ब की जो टोटल पावर है P डैश उसको कहते हैं, वो है V स्क्वेयर बाय 2R. अच्छा, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास V स्क्वेयर ओवर 4R. करंट V ओवर टोटल रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई है 2R. तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला P डैश इज इक्वल टू I स्क्वेयर R E. तो P डैश इज इक्वल टू I स्क्वेयर, I स्क्वेयर होगा V ओवर 2R होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स यहां पर जब हम P डैश कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा V स्क्वेयर ओवर 4R मल्टीप्लाई बाय 2R. ये पूरी डेरिवेशन मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको उसकी बेसिक सॉल्विंग लॉजिक जो है वो लाजमी पता होनी चाहिए, एट दी एंड चाहे कोई शॉर्टकट बनता हो या ना बनता हो. तो P डैश इज इक्वल टू, यहां पे आंसर आएगा V स्क्वेयर ओवर 2R. सो नाउ सी, पहले जो पावर डिसिपेटेड स्टूडेंट्स उस पर डिजिट आ रहा था 3, अब ये डिजिट जो है वो 3 से कम होके 2 हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो पावर डिसिपेशन है या पावर कंजम्पशन है वो पहले से इंक्रीज कर गई. सेकेंडली, पहले करंट में था 3 का डिजिट, ये 3 का डिजिट कम होके 2 हुआ, यानी रेजिस्टेंस कम हुई तो करंट पहले से ज्यादा होगा, इसको हम I डैश कह लेते हैं. सो हमें जो रिजल्ट्स मिले वो ये है कि अगर ये स्विच एस क्लोज कर दिया जाए तो जो I डैश करंट है वो पहले से बढ़ जाएगा और जो पावर डिसिपेशन है P डैश वो भी पहले से इंक्रीज कर जाएगी. इट मींस के बल्ब्स की जो ब्राइटनेस है वो भी पहले से इंक्रीज कर जाएगी. सो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंटली, कई एग्जाम्स में जो है वो एंटी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है. तो इसमें आप अब इसको फाइनली अगर देखें तो फाइनली आप इसका आंसर सिर्फ याद रख लें कि 3 बल्ब्स थे आइडेंटिकल, स्विचेस ओपन था, तीनों की ब्राइटनेस एक जैसी थी, करंट की वैल्यू V ओवर 3R थी फॉर एग्जांपल. जैसे स्विचेस क्लोज करेंगे तो ये बल्ब ब्राइटनेस शो नहीं करेगा, यानी स्विच ऑफ हो जाएगा क्योंकि करंट को एक कम रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल गया. तो सिर्फ 2 बल्ब रह जाएंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, पावर डिसिपेशन बढ़ जाएगी, लिहाजा इनकी जो ब्राइटनेस है वो भी पहले से इंक्रीज कर जाएगी. स्टूडेंट्स इसी तरह UET के एग्जाम में क्वेश्चन आया था
क्या आपके पास तीन आइडेंटिकल बल्ब एक वोल्टेज सोर्स V के साथ कनेक्टेड है, तीनों की ब्राइटनेस आइडेंटिकल है B1, B2 और B3, एक एमीटर कनेक्टेड है जिसमें से करंट I गुजर रहा है। इट सेज कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो फिर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एमीटर रीडिंग एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स। अब यहां पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि अगर आपके घर में कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या आपके किसी बाकी बल्ब की ब्राइटनेस पे फर्क पड़ता है? हरगिज नहीं पड़ता। तो ये भी तो पैरेलल सर्किट है। लॉजिकल आंसर ये है कि तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, क्योंकि पैरेलल हैं तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, तीनों की रेजिस्टेंस भी सेम, तो तीनों की पावर कंजम्पशन भी सेम, तो तीनों की जो ब्राइटनेस है स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी? सेम होगी। हाँ, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्ज करें जब ये तीनों के तीनों बल्ब मौजूद हैं, हर एक की रेजिस्टेंस आर है और ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या बनी? R/3। तो जब तीनों रेजिस्टर्स हैं तो करंट होगा I=V/RE, यानी करंट होगा I=V/R/3, यानी 3 times of V/R। लेकिन अगर ये बल्ब हो जाएगा फ्यूज, तो स्टूडेंट्स देखें अभी भी दोनों के क्रॉस वोल्टेज तो सेम रहेगा, इसका मतलब है कि इन दोनों की ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमारे पास अब जो करंट होगा वो होगा I=, जब दो बल्ब होंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी वो R/2 हो जाएगी, तो R/2 यहाँ पे हो जाएगा 2 times of V/R। तो देखें जब तीन बल्ब्स थे तब करंट 3 times of V/R था, जब दो बल्ब हैं करंट 2 times of V/R है, तो यहाँ पर एम मीटर रीडिंग जो है उसका क्या आंसर आएगा कि एम मीटर रीडिंग जो है वो एक बल्ब के फ्यूज होने से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक पैरेलल सर्किट में एक हीटर, एक बल्ब और एक रेडियो कनेक्टेड है विद अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। नाउ पूछा ये गया है कि इन तीनों कंपोनेंट्स के होते हुए फ्यूज वायर में से कितना करंट पास करेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो करंट मेन यहाँ से सप्लाई होगा वो तीनों में डिवाइड होगा, आई रेडियो, आई बल्ब, आई हीटर, जबकि तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। तो बाय द यूजिंग द रिलेशन P=VI हम करंट फाइंड कर सकते हैं बाय द रिलेशन I=P/V। तो आई हीटर, पावर ऑफ हीटर डिवाइडेड बाय द मेन वोल्टेज, 1000/220, 50/11 एम्पेयर आ जाएगा। सिमिलरली आई बल्ब 60/220, 3/11 एम्पेयर। आई रेडियो, पावर ऑफ रेडियो डिवाइडेड बाय 220, 2/11 एम्पेयर। अब ये तीनों करंट्स इकट्ठे मिलकर फ्यूज वायर में से गुजरेंगे तो तीनों करंट्स को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, आता है 55/11 विच इज सिंपली 5 एम्पेयर। तो 5 एम्पेयर वो करंट है जो इस सर्किट का टोटल करंट है या फिर जो फ्यूज वायर में से पास कर रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स एक बड़ा कॉमन आने वाला क्वेश्चन है कि विच बल्ब इज द ब्राइटेस्ट, 40, 60, 90, 120। प्रॉब्लम इज ना हमें ये बताया कि ये सीरीज है, ना हमें ये बताया कि ये पैरेलल है, क्योंकि हमने अभी तो सारा काम किया ही सीरीज और पैरेलल की बेस पे। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर आपको पावर रेटिंग्स गिवन हो और आपको कम्बिनेशन ना बताया हो सीरीज या पैरेलल कम्बिनेशन, तो आप उसको डोमेस्टिकली पैरेलल ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक अप्लायंसेस में कौन सी सप्लाई या कौन सा कम्बिनेशन यूज होता है? पैरेलल। और पैरेलल में मैंने आपको रूल क्या बताया था कि पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेटेड पावर। जिसकी पावर रेटिंग सबसे ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने बिला झिझक मैक्सिमम पावर रेटिंग वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई कम्बिनेशन गिवन ना हो आपने उसे पैरेलल कंसीडर करना है, और ये पैरेलल का सिंपल रूल है। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आने वाला आपको सर्किट नज़र आए, फॉर एग्जाम्पल ये 6 बल्ब्स लगे हैं सर्किट में, डिफरेंट कम्बिनेशन में, सीरीज में भी हैं, पैरेलल में भी हैं, पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किस बल्ब की है, या फिर ये पूछा जाए कि सीक्वेंस में लिखें कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कैसे मैक्सिमम टू मिनिमम सीक्वेंस में जाएगी, तो हमारे पास 6 बल्ब हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। स्टूडेंट्स चूंकि बल्ब आइडेंटिकल हैं लिहाजा इनकी जो रेजिस्टेंसेज हैं वो भी कॉन्स्टेंट होंगी, एक जैसी होंगी। तो ये हिंट नंबर 1 है जो आपने जहन में रखना है। And now remember, if resistance is constant, then power dissipation या power consumption is directly proportional to V squared. अब जो बल्ब सबसे ज़्यादा वोल्टेज acquire करेगा अपने across, उसकी power dissipation या power consumption सबसे ज़्यादा
और थीम वही याद रखना है कि जिसकी पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगी ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा उसी की होगी। तो इस सर्किट में आप इनको बल्ब्स की पावर की बजाय आर में चेंज कर लें। अब देखें, पहले तो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, जब हम 4 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक ही बल्ब यहाँ पर लगाया जा सकता है और उस बल्ब की रेजिस्टेंस या उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2R आ जाएगी। ऑल राइट, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है तो आप ये सर्किट पहले ही देख के अपने पास पेज पे बना लेंगे। यहाँ पर अब 3 के 3 जो है 2 रेजिस्टर्स आ रहे हैं, रेजिस्टर 3 और रेजिस्टर 4। अब ये रेजिस्टर 3, 4 और 6 ही आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोडक्ट ओवर सम का। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी 2R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय सम 2R प्लस R। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3R। इसका मतलब है कि इस पूरे हिस्से की जो रेजिस्टेंस है जिसमें 3, 4 और 6 बल्ब इन्वॉल्व है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है 2/3R, ये रेजिस्टेंस है R। अब ये एक सिंपल पैरेलल सर्किट बन गया। स्टूडेंट्स नाउ सी, चूंकि ये पैरेलल है तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम अपीयर होगा, वो सेम अपीयर होगा। अच्छा, ये बल्ब्स चूंकि आइडेंटिकल हैं सो इनके अक्रॉस वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा V/2 एंड V/2। अब देखना हमें ये है कि 5 और 3, 4, 6 इन दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो हम इसको V1 और इसको V2 का नाम देकर आसानी के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला सॉल्व करते हैं कि V1 विल बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये बनेगा 5/3R मल्टीप्लाई बाय V। इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू मेन वोल्टेज, और अगर V2 फाइंड करना हो तो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू मेन वोल्टेज, यानी V1 है तो R1 पुट करें, V2 है तो R2 पुट करें। अब स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर हमारे पास अगर R से R कैंसिल हो रहा है तो ये 3/5 हो जाएगा, 5/3 की बजाय 3/5 volts। इसका मतलब है V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5 volts। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 3/5 volts। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2। V2 फाइंड करने के लिए अब आपने ऊपर R2 लिखना है, R2 कितना है, 2/3R डिवाइडेड बाय, दोनों का सम सेम रहेगा, 5/3R इंटू मेन वोल्टेज V। अब 3 से 3 कैंसिल होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5 volts। इसका मतलब है कि जो V2 है ये कितना है, 2/5 volts। यहाँ तक तो हमें वोल्टेजेस पता चल गए। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा फिर एलैबोरेट करते हैं कि सर्किट असल में तो ऐसा नहीं था। तो देखें, ये होगी मेन बैटरी, ये वो दो बल्ब्स जिनके अक्रॉस अभी भी वोल्टेज V/2 ही है, ये बल्ब नंबर 5 जिसके अक्रॉस वोल्टेज आया है 3/5 volt। अच्छा, अब हम इसको जरा उसी शेप में ले आते हैं जिस शेप में ये पहले था। बल्ब नंबर 3, बल्ब नंबर 4, बल्ब नंबर 6। अब देखें, इस पूरे रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 2/5 है। अब चूंकि ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल थे इसलिए यहां पर भी वोल्टेज 2/5 है, यहां पर भी वोल्टेज 2/5 volt है। डन, कॉम्प्लेक्स है बट मैं बहुत स्लोली इसको प्रूफ कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। अब आते हैं अगली चीज पर। ये जो 2/5 volt है स्टूडेंट्स, ये दो रेजिस्टर्स पर फिर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसको तो पूरे का पूरा ही मिलेगा क्योंकि ये एक है, लेकिन यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं और इन दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज 2/5 है तो ये 2/5 इक्वली डिवाइड होके 1/5 volt और 1/5 volt हो जाएगा। सो देखिए, पोटेंशियल डिवाइडर्स
का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने हर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो गेन कर लिया। सो अब देखें, हम अब इन रेशियोज को जरा परखते हैं। सबसे पहले 3/5 को देखें, 3/5 का मतलब है 0.6 वोल्ट। उसके बाद देखें आप 2/5, 2/5 मीन्स 0.4 वोल्ट। फिर देखें 1/2V, 1/2V मीन्स 0.5 वोल्ट, और 1/5 देखें तो इट मीन्स 0.2 वोल्ट। अब आपके सामने वोल्टेजेस लिखे हुए हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएं कि अगर रेजिस्टर सबकी कांस्टेंट है, एक जैसी आइडेंटिकल है, तो पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब 0.6 सबसे ग्रेटर, तो ये हमारे पास नंबर वन पे आएगा। उसके बाद 0.5 है, तो ये नंबर टू पे ग्रेटर है। उसके बाद 0.4 आएगा, ये नंबर थ्री पे ग्रेटर है। और उसके बाद 1.5, ये नंबर फोर पे ग्रेटर है। तो अब सीक्वेंस लिखना कितना आसान है। सबसे ग्रेटेस्ट पावर कंजम्पशन, ये सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किस बल्ब की है जिसके क्रॉस वोल्टेज 0.6 है, और वो बल्ब नंबर 5 है। तो इन आवर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस मैं यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ चलें, कि B5 इज द ब्राइटेस्ट बल्ब। B5 के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस किसकी है, B5 यानी 0.6 के बाद बड़ा वोल्टेज क्या है, 0.5। 0.5 इन दोनों बल्ब्स के क्रॉस है, तो B5 ग्रेटर है B1, लेकिन B1 इक्वल किसके है, B2 के, क्योंकि B1 और B2 के अक्रॉस जो ब्राइटनेस है, जो वोल्टेज है, वो सेम है। 0.5 के बाद मेन वोल्टेज क्या है, 0.4। 0.4 किसके अक्रॉस है, बल्ब 6 के। तो ये ब्राइटनेस ग्रेटर है किससे, बल्ब नंबर 6 से। जो बल्ब नंबर 6 के अक्रॉस वोल्टेज है वो ग्रेटर है 3 और 4 से, क्योंकि 3 और 4 के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, 0.2। तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे ग्रेटर, फिर लिखेंगे बल्ब 3 इक्वल्स टू बल्ब 4। तो स्टूडेंट्स, एक तो आप करंट के मीनिंग्स में भी, मैंने पहले करंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो अगर इजी स्ट्रक्चर है तो आप करंट रूल अप्लाई कर दें, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है सर्किट और आपके लिए करंट्स जो हैं उनको डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा अपनी ग्रिप जो है वो बनाए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स पर। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने में काम आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा सर्किट है कि अगर आप इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपकी अच्छी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी इन कंपेयरिंग द या इन फाइंडिंग द ब्राइटनेस ऑफ डिफरेंट बल्ब्स। इन द एंड स्टूडेंट्स, अब इस सारे लेक्चर को समराइज करते हैं। तो हमारे पास ये हैं पावर से रिलेटेड इक्वेशंस, फिर पावर रेटिंग और पावर कंजम्पशन का डिफरेंस याद रखना है कि पावर रेटिंग विल बी इक्वल टू पावर कंजम्पशन इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटेड वोल्टेज। अगर अप्लाइड वोल्टेज कम होगा तो पावर कंजम्पशन कम होगी, अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इस केस में जो वायर है या बल्ब है क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू P/N, पैरेलल कम्बिनेशन में N/P, पावर कम्बिनेशन इन पैरेलल रेशियो पावर कम्बिनेशन इन सीरीज इक्वल टू N², और यू कैन से P parallel इज इक्वल टू N² टाइम्स P series। यानी अगर तीन रेजिस्टर्स पहले या तीन बल्ब्स ऑफ आइडेंटिकल पावर्स पहले पैरेलल में और फिर सीरीज में कनेक्ट किए जाएं, तो दैट वुड बी द रिलेशन बिटवीन पैरेलल कम्बिनेशन एंड सीरीज कम्बिनेशन। फिर रिमेंबर, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन में अगर रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है सीरीज और पैरेलल में, तो जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी। यानी सीरीज सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा और पैरेलल में कम रेजिस्टेंस वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा। इसी तरह अगर पावर रेटिंग गिवन हो तो सीरीज में जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगी, पैरेलल में जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसी की पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। तो दैट्स हाउ यू विल डिसाइड द ब्राइटनेस। और अगर आपके पास मिक्स्ड सर्किट्स आ जाएँ तो फिर उसमें अगर आपको बल्ब्स की ब्राइटनेस मेजर करनी हो तो फिर या तो किरचॉफ करंट रूल अप्लाई कर लें या फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके देखें कि किसके अक्रॉस कितनी कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और उसके मुताबिक पावर कंजम्पशन कैलकुलेट कर लें। एंड इन द एंड आई विल ओनली एडवाइस स्टूडेंट्स कि ओनली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। लेक्चर काफ़ी डिटेल्ड है लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको सुने, इसकी एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस करें और डिफरेंट बुक्स में से, इंटरनेट से, ऑनलाइन इसके क्वेश्चन सर्च करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।